आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पिक्सेल ऐप में अपनी थंबनेल मोबाइल से बना सकते हैं। तो सबसे पहले पिक्सेल ऐप खोलेंगे। यहाँ पर जब आप जाइएगा तो वो देगा कि आपको क्या बनाना है। तो इमेज साइज़ में जब जाइएगा तो पूछेगा कौन सी लेना है, तो आप थंबनेल वाला सेलेक्ट करिएगा, ओके करिएगा, थंबनेल साइज़ की आपकी इमेज आ जाएगी। अब आप प्लस करिएगा, यहाँ पर आपको शेप मिलेगा, डिफरेंट शेप मिलेंगे, आप उनको उसमें से जो चाहिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें हम लोग ये सेट कर दिया। ये जब सेट हो गया तो उसमें कलर डाल देंगे। कलर में हम कौन सा कलर अच्छा लगेगा आपको वो चूज कर लीजिए। मान लीजिए हमने ब्लू डाल दिया, नहीं अच्छा लग रहा दूसरा ले लीजिए। और यहाँ पर टेक्स हमको डालना है तो ये टेक्स इसमें ऑलरेडी है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स में एडिट करेंगे, न्यू टेक्स डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HD थंबनेल, एंटर किया, ओके कर दिया, HD थंबनेल आ गया। अब इसको ऊपर करना है तो फिर से एडिट में जाएंगे और ऊपर कर देंगे। HD थंबनेल लिख के आ गया। अब यह बहुत बड़ा है तो इसकी साइज़ बढ़ा लीजिए आप। अब HD थंबनेल में आप चाहते हैं कि फॉन्ट सेलेक्ट करिए तो यहाँ एडिट में जाइए, यहाँ पर फॉन्ट में जाइए। अब फॉन्ट यहाँ पे आएगा, छोटा बड़ा इसको आप कर सकते हैं, इसको टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, इसको आप जो चाहिए कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से गए हम, यहाँ पे गए, यहाँ पर कलर में गए। अब इसमें कौन सा कलर अच्छा लगेगा, वाइट तो है ही ऑलरेडी, ब्लैक लेंगे तो आ जाएगा। अब थंबनेल में टेक्स्ट को एडिट करना है तो यहाँ से जाइए, स्टाइल ले लीजिए, स्टाइल में ब्राउज करिए तो ये देखिए आ रहा है, इसमें से जो आपको लेना हो ले लीजिए। तो मान लीजिए हम लोग ने ये वाला ले लिया HD थंबनेल। नहीं पसंद आए तो फिर से स्टाइल में जाइए, ब्राउज करिए, मान लीजिए ये वाला लिया तो ये बेटर लग रहा है उससे, HD थंबनेल। अब फिर से टेक्स्ट में गए, ऐड किया, अब इस वाले में लिखना है हमको, एडिट किया बाय मोबाइल, अब इसको फिर गए स्टाइल में, ब्राउज किया, अब फिर रेड ले लेते हैं। नहीं समझ में आया, अब इसमें कलर चेंज करना है मान लीजिए, तो यहाँ पर गए और कलर के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर गए। अब इसमें कौन सा कलर आप भरिएगा देख लीजिए, मान लीजिए हमने लाइट ब्लू भर दिया, नहीं अच्छा लग रहा डार्क ब्लू भर दिया, नहीं अच्छा लग रहा ग्रीन भर दिया, भर भर के देखिए जो आपको कलर पसंद आ जाए, ये वाला दिख रहा है तो यही भर देंगे। ये वाला भर दिया, ओके कर दिया। अब इसमें हमको पिक्चर डालनी है तो पिक्चर जो डालनी है, अब ये इस हिसाब से बड़ा है तो इसको और छोटा कर लीजिए। और अब यहाँ पे पिक्चर लाएंगे तो प्लस किया यहाँ से और फ्रॉम गैलरी लिया,
गैलरी में देखिए पिक्चर है, उसको ले सकते हैं, लेकिन पिक्चर बनाने से पहले उसमें स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रोक लगाने के लिए इसको पहले छोटा कर लें, स्ट्रोक लगाने के लिए हमको इसमें फैसिलिटी देखनी पड़ेगी कि तो स्ट्रोक लगाने के लिए हम लोग पहले इसमें जाएं, इसमें क्या है देखिए इमेज साइज, इसमें देखिए ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अभी हमें करना नहीं है, ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। कलर डाल दीजिए इसमें, कलर मान लीजिए वाइट डाल दिया, और अब इसके बाद इसमें इमेज साइज़ हो गई, इमेज फ्रॉम गैलरी फ्रॉम कैमरा इमेज। अब इमेज में ये पीछे लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो चाहिए वो लगा लीजिए आप पीछे, हमें कुछ नहीं लगाना, वाइट ही सही लग रहा है। इमेज साइज़ आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं, तो हमने वाइट कलर तो डाला है, और कुछ भी अगर डालना है आपको तो आप डाल सकते हैं, ये वाला डाल दिया, ओके कर दिया। क्रॉप क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, स्ट्रिप्स है, ब्राइटनेस है, नॉइस है, कंट्रास्ट है, ह्यू है, सैटर्न है, ये सब दिया हुआ है। रोटेट आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब इसके बाद इमेज साइज ट्रांसपेरेंट इमेज गैलरी फ्रॉम कैमरा, इसमें क्या है क्रॉप डिलीट फ्रंट टू बैक पोजीशन रिलेटिव पोजीशन कलर टेक्सचर ओपेसिटी स्ट्रोक आया। अब स्ट्रोक जब आप कहिएगा एनेबल करिएगा तो आपके इसमें स्ट्रोक लग जाएगा। अब स्ट्रोक की साइज़ अगर आप बढ़ाते हैं तो ये देखिए आपके स्ट्रोक लग जाएगा। अब स्ट्रोक लग गया, अब यहाँ पर हम लोग जाते हैंगे एक टेक्स्ट और लाएंगे जिसमें लिखेंगे, एडिट करेंगे, सब्सक्राइब, ओके करा। अब इसको एडिट करा, यहाँ से टेक्स्ट किया, यहाँ पे स्टाइल, यहाँ वाले टेक्स्ट से करेंगे ना, इसको किया, कलर भरा, इसको रेड कर दिया, रेड करा और ओके कर दिया। फिर यहाँ से स्टिकर है, अगर कोई स्टिकर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, मान लीजिए ये लगा दिया, इमोजी स्टिकर, इमोजी भी लगा सकते हैं, ये ढेर सारा देखे दिया हुआ है। अभी इसमें तो हमें लगाना नहीं है, तो स्टिकर लगा दिया, अब स्टिकर लगने के बाद रिलेटिव साइज कलर टेक्सचर स्ट्रोक हो गया, कलर फिल्टर यहाँ पे गए, इम्पोर्ट से आप स्टिकर ले सकते हैं, शेप तो हो ही गया। अब टेक्स पे गए, स्टाइल में गए, ब्राउज किया और ये वाला ले लिया, तो ये अच्छा लगेगा, इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ये यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब खाली जगह, तो ये अच्छा लगेगा, और इसको यहाँ पर लगा देते हैं HD थंबनेल बाय मोबाइल।
तो इस तरह से हमारा थंबनेल बन गया जो बहुत अच्छे से दिख रहा है। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि इमेज को कुछ एडिट कर लीजिए, अब इसको यहाँ जा कर के न्यूज़ इमेज यहाँ पे सेव कर दीजिए ना, तो आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा। सेव एज प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट में करा ब्लू HD थंबनेल। इसमें कई सेव हैं तो हम इसका नाम दूसरा दे दिए। अब यहाँ पर ये सेव हो गया। अब सेव हो जाने पर हमको फ़ोटो में आपको इसका फ़ोटो भर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, एज इमेज भी करेंगे और यहाँ पर सेम साइज़ रहेगी, JPG रहेगी, कुछ शेयर रहेगा, सेव टू गैलरी कर दिया। अब गैलरी में जब सेव हो गया तो यहाँ पे स्नैपशीट खोलेंगे, यहाँ ओपन करेंगे, ऑल चेंजेस विल बी लॉस्ट, टैप ऑन ओपन टू न्यू, ओपन करेंगे, यहाँ पर गैलरी में जाएंगे और देखेंगे कि मेरा वो थंबनेल आया कि नहीं आया। तो ये आ गया है आपका, इसको खोल लेंगे, यहाँ पे ये खुल जाएगा तो टूल आएगा, यहाँ पे ब्रश लेंगे, ब्रश लेकर के एक्सपोजर करेंगे तो आप अपनी फ़ोटो को क्लियर भी कर सकते हैं या आप अपने इसमें देखे रोशनी भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये थंबनेल ब्राइट हो जाएगा। अगर नहीं पसंद आए तो वापस कर दीजिए, फिर से टूल लीजिए, ब्रश लीजिए और एक्सपोजर में जाइए और अपने फेस को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे एक फैसिलिटी और है, जब टूल में आप जाइएगा तो हेड पोज मिलेगा, हेड पोज मिलने पर आप अपने चेहरे को किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चेहरे के सब चीज सेट कर सकते हैं, अपने चेहरे को घुमा सकते हैं, अपने चेहरे को कुछ भी कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए आप, फिर टूल में जाइए, और भी बहुत से टूल हैं यहाँ पे, आप लोग ट्रायल एरर करिए, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी जो आपके, देखिए इसमें रोशनी ऊपर से आ रही है तो इस तरह से आ गया। यहाँ से आप अपने इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ में मिली हुई है। तो अभी हम यही वाला रखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो ये हमारा HD थंबनेल बन गया। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।